नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का डिजाइन लाई हूँ, छोटी छोटी बूटी का प्यारा सा डिजाइन। चाहे जेंट्स स्वेटर में डालिए, लेडीज कार्डिगन जैकेट कोटी में डालिए, बॉयज स्वेटर में डालिए, गर्ल्स टॉप में डालिए, बच्चों के स्वेटर में डालिए, जेंट्स हाफ स्वेटर में चाहे फुल स्वेटर में, ये बेहद खूबसूरत लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा, तो मैंने 17 फंदे डाल दिए हैं। 4 4 4 4 और एक फंदा एक्स्ट्रा, 17 फंदे डाल दिए हैं। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिजाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। तो मैंने 17 फंदे डाल लिए हैं, 4 के मल्टीपल और एक फंदा एक्स्ट्रा। अब ये हमारे डिजाइन का बेस लाइन है, हम सामने की तरफ हैं, ये हमारे डिजाइन का बेस लाइन है। डिजाइन का लाइन नहीं है, ये हमारा बेस लाइन है, बिना इसके डिजाइन नहीं बन पाएगा। तो क्या करेंगे, पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा उल्टा बनेंगे, 1 2 3। चौथा फंदा हम स्लिप करेंगे, ऊन हमारा हमारी तरफ ही रहेगा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है, यानी अगला 3 फंदा हम उनको हम अपनी तरफ रखे हुए ही अगला 3 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 3। चौथा फंदा स्लिप करेंगे, फिर हम इन्हीं 4 फंदों को रिपीट करेंगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। चौथा फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। और लास्ट फंदा एज स्टिच है तो उन अब दूसरी ओर करेंगे और इसे हम सीधा बोलेंगे। तो ये हमारा बेस लाइन तैयार हो गया। रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बोलेंगे, डिजाइन हमारा सामने की तरफ से डलेगा, रॉन्ग साइड में हम सभी फंदों को उल्टा बोलेंगे। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और यहाँ से हमारा अब डिजाइन शुरू होगा। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे, 1 फंदा उल्टा। अब अगले फंदे को हमें स्लिप करना है, उन हमारा हमारी तरफ ही रहेगा, अगला फंदा उल्टा। अब ऊन दूसरी ओर करेंगे, अब देखिए बेस लाइन में हमने 3 फंदा उल्टा बुनने के बाद चौथे फंदे को स्लिप किया था और ऊन को अपनी तरफ रखा था, तो ये हमें ये धागा ऊपर की तरफ आया। तो क्या करेंगे कि हमने ऊन दूसरी तरफ कर लिया, अब इस धागे के नीचे हम ऐसे सिलाई ले जाएंगे, धागे को उठाएंगे, फंदे को साथ में लेंगे और बैक लूप से हम इसे सीधा बुनेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है, इन्हीं 4 फंदों को हमें दोहराना है। अब फिर यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा, ऊन को हम अपनी ओर करेंगे, 1 फंदा उल्टा, दूसरे फंदे को स्लिप करना है, ऊन हमारा हमारी तरफ रहेगा, तीसरा फंदा उल्टा, ऊन को दूसरी ओर करेंगे। अब पिछली लाइन में हमने इस फंदे को स्लिप किया था और धागे को अपनी तरफ रखा था, तो ये हमारा धागा है, इसके नीचे हम सिलाई ले जाएंगे, इसे उठाया और इस फंदे को दोनों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर हम रिपीट पैटर्न दोहराएंगे, 1 फंदा उल्टा, अगला स्लिप करना है, नेक्स्ट उल्टा, उन दूसरी ओर, धागे को
और स्लिप किए हुए फंदे को, दोनों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। ऊन अपनी ओर, एक फंदा उल्टा स्लिप करना है, फिर उल्टा, लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो हमने पहली लाइन कंप्लीट कर ली। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लिए जाएंगे। हर रॉन्ग साइड में हमें सभी फंदे उल्टा ही बुनने हैं, डिजाइन सिर्फ सामने की तरफ से डलेगा। अब देखिए हम फिर सामने की तरफ आ गए, तो देखिए पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, ऊन को दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए इस फंदे को हमने स्लिप किया था, धागा सामने की तरफ है, तो इसे उठाएंगे ऐसे, इसके नीचे ऐसे सिलाई ले जाएंगे, धागे को उठाएंगे और इस फंदे को, दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो हमने तीन फंदा बुन लिया। अब यहां से हमारा रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा। ऊन को अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा, अगले फंदे को स्लिप करना है। अब देखिए पिछली लाइन में हमने इसी फंदे के ऊपर से धागा लिया था, तो इसे हम स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा उल्टा, धागा हमारा हमारी तरफ ही रहेगा, अगला फंदा उल्टा। तो इस फंदे के ऊपर से देखिए ये धागा चला गया है, अगली लाइन में इसे ही हमें उठाना है। उनको दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए हमने इसे स्लिप किया था, तो इस धागे के नीचे हम अपने सिलाई को लगाएंगे और इस फंदे को, दोनों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब फिर ऊन अपनी ओर, रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा। एक फंदा उल्टा, अगले फंदे को स्लिप करना है, ऊन हमारा हमारी तरफ रहेगा, अगला फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे, लेकिन उसके पहले नीचे से धागे को उठाएंगे और फंदे को साथ में लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। उन अपनी ओर, फिर हमारा रिपीट पैटर्न, उल्टा स्लिप करना है, उल्टा, उन दूसरी ओर, नीचे से धागे को उठाना है, धागे के नीचे ऐसे सिलाई ले जाएंगे और इस फंदे को साथ में लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। ऊन अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा, लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। एक बार और बता देती हूँ, ध्यान दीजिएगा, पहले फंदे को स्लिप करना है, ऊन को अपनी ओर करना। अब यहाँ से हमारे चार फंदों का रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा। पहला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, फिर अगला फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर करना है, अगला फंदा सीधा बुनना है, लेकिन सीधा बुनने से पहले नीचे से धागे को उठाएंगे और फंदे को साथ लेंगे और बैक लूप से सीधा फंदा बुन लेंगे। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं चार फंदों को हमें दोहराना है। ऊन अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, दूसरे फंदे को स्लिप करना है, तीसरा फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर, चौथे फंदे को सीधा बुनना है, लेकिन सीधा बुनने से पहले नीचे से धागे को उठाना है, फंदे को साथ लेना है और बैक लूप से सीधा फंदा बना लेना है। ऊन अपनी ओर, उल्टा स्लिप करना है, उल्टा, ऊन दूसरी ओर, अगले फंदे को सीधा बुनना है, लेकिन पहले नीचे से धागे को उठाना है, फंदे को साथ में लेना है और बैक लूप से सीधा। ऊन अपनी ओर, उल्टा स्लिप करना है, उल्टा, लास्ट फंदा एज स्टिच है, तो इसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो देखिए छोटा छोटा ये हनीकून जैसा बनना शुरू हो जाएगा और ये इस तरह बनके तैयार होगा। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, एक बार जरूर ट्राई करें।
सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिए छोटा छोटा हनीकॉर्न, बेहद खूबसूरत। और तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, बनाना बहुत ही आसान, और इसे बना के देखिएगा, बेहद खूबसूरत डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।